खंडवा जिले की हरसूद थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की जो पुलिस वाले बनकर लग्जरी कार में सवार होकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। यह आरोपी पहले ट्रक का पीछा करते, फिर सुनसान इलाके में ट्रक को लूट कर फरार हो जाते, फिर लूटे गए ट्रक को सजा संवार कर बेच देते थे। हरसूद थाना अंतर्गत 18 जुलाई वर्ष 2020 की दरमियानी रात इन्हीं चार लुटेरों ने आशापुर के आगे रजूर और खेड़ी के बीच सुनसान स्थान पर यूपी पासिंग ट्रक को पुलिस वाला बंद कर रोका। ट्रक पीछे एक्सीडेंट करके आया है कहते हुए ट्रक चालक एवं कंडक्टर को कार में बैठा लिया और सुतार खेड़ा के पास दोनों के हाथ पैर बांध कर जंगल में छोड़ दिया। फिर यह लुटेरे चालक व कंडक्टर के मोबाइल फोन तथा ट्रक लूट कर ले गए। चालक की रिपोर्ट पर अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। जिला कटनी में भी इसी प्रकार चालक और कंडक्टर को बंधक बनाकर लूट की घटना जुलाई माह में होना ज्ञात हुआ, जिसमें संदेह के आधार पर गिरफ्तार आरोपी खालवा निवासी था, जिसकी तलाश की गई तो मुखबिर से सूचना मिली कि महेश पटेल अपने भाई छोटू उर्फ हरिओम पटेल साथी दिलीप परमार से मिलने उसके गांव ब्राह्मण बारोदा आने वाले हैं, जहां पुलिस के द्वारा दबिश दिए जाने पर दिलीप परमार पिता पीरूलाल परमार उम्र 22 वर्ष मिला, जिसने पूछताछ पर घटना कबूल कर बताया कि उन्होंने ही भोपाल पासिंग फॉर्च्यूनर गाड़ी से हरसूद के आगे वारदात को अंजाम दिया था और ट्रक में लगा जीपीएस निकालकर एक डंपर में फेंक दिया था ताकि पुलिस जीपीएस के आधार गुमराह होकर ट्रक को खंडवा की ओर तलाश करती रहे और ट्रक को विपरीत दिशा में वापस आशापुर होते हुए बैतुल फाटा आवलिया बैतुल होकर नागपुर ले गए थे। महेश पटेल के कहने पर इंदौर खजराना निवासी नईम खान ने जबलपुर के मौलाना साजिद खान को नागपुर में उक्त ट्रक बेच दिया। साजिद खान ने ट्रक के रूप को परिवर्तित कर दिया और चेसिस नंबर को भी मिटाने का प्रयास किया गया। उक्त संगठित गिरोह से लूटे गए ट्रक एवं फॉर्च्यूनर कार को बरामद किया।